काशी की धरती को प्रणाम करता हूँ, काशीवासियों को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रयाग तीर्थों के राजा प्रयाग से आता हूँ, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। वैसे तो कवि सम्मेलन का माहौल है। कहा गुरु कुछ बोला का? देखा भाई पेट मरोड़ हो ओके ठीक है रखो, आधी जिंदगी हमरो यह बीतल हो। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं आपके सांसद से। और माइक के बीच में और सांसद के और कैमरे के बीच में कोई नहीं आता है, तो अब मैं अपनी औकात पे आ रहा हूं। चंद मेरी मैंने पिछले कुछ वर्षों में फिल्मी सितारों की तो नकल आपने बहुत सारी लोगों की सुनी होगी। मैंने इस विधा से हट के थोड़ा सा जो हमारे राजनीतिक लोग हैं मैंने उनकी नकल करने की कोशिश की है। अगर बात आप तक पहुंचेगी तो काशी की धरती पे बहुत साल बाद आया हूं, आपका आशीर्वाद पहुंचेगा और वही आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक पर्सनल बात आपको बता दूं, पिछले साल मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद का ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। अगर बीच में सांस अगर थोड़ी सी उखड़ जाए तो क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं गुरु, बगले में मणिकर्णिका है। लेकिन भैया पहले बताए वाला पहले बताइले रहता होता तो दाग देवे वाला साथ लेके आई थी। अभी यहाँ पैदा करे के पड़े हो तो 9 महीना तो वेट करा ही के पड़े। स्वागत है। तो शुरुआत आपके सांसद माननीय मोदी जी से करता हूं। उनसे बड़ा कलाकार न इस धरती पे हुआ है न होगा, उनसे बड़ा वक्ता न इस धरती पे हुआ है न होगा। और पहले तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता हमारे इलाहाबाद प्रयागराज से निकलता था, बनारस वाले वो हम लोग से छीन ले। 7 प्रधानमंत्री प्रयाग ने दिए, लेकिन अब तो लगता है कि सारा का सारा काशी में हो गया। मंच पर विराजमान बाबा विश्वनाथ की सवारी श्रीमान साण बनारसी जी, मंचासीन कवि अर्ध नारीश्वर जिनमें नारी भी हैं और नर भी हैं, राधे श्याम जी। मेरे प्यारे काशीवासियों, हम रौरा के प्रणाम करत बानी। क्या बात है बा? मैं न आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे तो दमदार बनारसी ने बुलाया। भाई और बहनों, काशी से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब मैं संगठन का काम करता था अक्सर दमदार जी के आना होता था। इनके पिताजी चाय बनाकर पिलाया करते थे, मैं तो बेचने वाला था। लेकिन चीनी काफी ज्यादा डालते थे। आजकल तो गन्ने भी बहुत मोटे होते हैं, लेकिन उस समय की जो चीनी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप बताइए चाय में चीनी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? डायबिटीज चाहिए क्या? मधुमेह होगा, एम्स खुल गया है तो इसका क्या मतलब है? फ्री में इलाज कराएंगे क्या? ये भाई इन महानुभाव को क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा साइन हो जाइए, उधर भी लोग हैं। आपको पता है कैमरे और मेरे पब्लिक के बीच में कोई नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे छोटे महाराज जी आते हैं।
देखा आप पढ़िए आप पढ़िए हाँ देखा बीच में आवत हुआ ना हाँ आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है। आप आगे आ जाइए बाबा आप आगे आ जाएं आप आगे आ जाएं भाई देखिए आप आगे आए हमारे छोटे महाराज जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते कोरोना कालखंड में महामूर्ख सम्मेलन नहीं हो पाया था। प्रदेश की जनता की विशिष्ट मांग पर हमने पुनः यह चालू किया है। जितने लोगों की गर्मी थी 10 तारीख के बाद निकल रही है कि नहीं निकल रही है निकल रही है कि नहीं निकल रही है इस और नहीं निकले तो गोरखपुर से बनारस के बीच में हमने फ्लाइट शुरू कर दी है ठंडा घूमते हुए आइए। अब मैं आपको उन लोगों की आवाज सुनाता हूं जो जिनके लिए आप जाने जाते हैं। ये महामूक सम्मेलन की शुरुआत किसने कराई थी याद है कि नहीं याद है? शुरुआत हम कराते हैं और नाम ले लग जाता है इनका दमदार बनारसी जी का। हमने तो बाबूजी से कहा था नेताजी से हमने नेताजी से कहा था कि सम्मेलन कोई भी हो आए बेटा तुम्हारी तो यही दिक्कत है। क्या बात है वाह 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 आप तुम जानते हो तुमसे बड़ा कलाकार है वो फिर भी साले उसको उंगली करने थे अब झेलो। पर पिताजी आपने तो कहा था 22 में सरकार हमारी बनेगी। हाँ तो जिन्ना को याद करने को किसने कहा था? और जिन्ना का नाम जहां लोगे वहां पर चुन्ना काटेगा ही काटेगा। आत्मचिंतन करो बैठ के आत्मचिंतन। पिताजी हम क्यों आत्मचिंतन करें? आत्मचिंतन करेंगे चाचा शिवपाल। देखिए जहां तक अरे क्या बात है बाबा नेताजी का जहां तक प्रश्न है अब भाई हमारे तो आप जानते हैं पूर्वांचल के लोग हैं आप लोग और पूर्वांचल में चाचा हमेशा से लात खाता है। कहावत भी है चाचा चोर भतीजा पाजी चाचा के सर पे जूता बाजी। 45 मांगी थी एक मिला। लेकिन बेटा उनको जाग देखना पड़ेगा अभी कल ही योगी से मिल के आया है। अब पिताजी वो अपने बहू के भाई से मिलने बहू के मतलब भाई से मिलने जाए तो हम क्या करें? अब बेटा यहीं तो गेम होना अब तुम नहीं जाओगे। देखिए का भैलो परेशान मत होगा अब चाचा जी ने जब कहा है योगी जी ने बुलाया था तो हम चले गए थे। पार्टी में बुलाएंगे तो भी चले जाएंगे ठीक है। और अब वो आवाज जिस पे पिछले एक महीने से बहुत तालियां और बहुत आशीर्वाद मिला है। आप लोग एक बात बताइए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या बात है वाह 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 अगर बात पहुंचे तो आशीर्वाद पीछे से भी चाहूंगा। वाह ये पहले कवि है जो पीछे से आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सही रहा भाई। देखिए देखिए ऐसा है ससुराल हमारी लखनऊ में है ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं इनको मेरा पति हमेशा चुनाव के समय क्यों याद आता है? बहुत अच्छे भाई वाह। जब से मोदी जी आए हैं पति को मेरे को उन्होंने जमीनों के चक्कर में फंसा रखा है। भाई मेरा दो कश खींच के हवा में घूमता रहता है। अब मैं पानी में न जाऊं तो कहां जाऊं? और रही बात नारा देने की कि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो यहां पे जितने हैं सभी पीड़ित बैठे हैं
और सब खुल के हंस रहे हैं क्योंकि घर पे जाके फिर चुप हो जाएंगे। और जब पत्नी बनेंगी, पत्नियां तो सारी ही लड़ती हैं, क्यों? डर नहीं होता तो कलकत्ता से वो यहाँ आती क्या? तो लड़की जब तक लड़ेगी नहीं तब तक अच्छी पत्नी बनेगी कैसे? तो इसलिए जब तक जान है शरीर में, एक एक कतरे खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक मेरा आज यहाँ पे एक छोटा भाई बहुत वर्षों बाद मिला, मनीष टंडन, आपके HDFC बैंक का जो सर्कल हेड है। अभी पता चला 103 ब्रांचेस इसके अंडर में आती हैं, तो जिसका भी अपहरण वगैरह का धंधा हो तो एकदम पका सामान पीछे बैठा है। 103 बैंक हैं, कितने लॉकर होंगे आप समझ सकते हैं। तो उसने एक आग्रह किया था, ये मेरे इलाहाबाद का एक कैरिकेचर है, एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था महाभारत, तो महाभारत का जो कलाकार थे, पुरानी वाली महाभारत, भीष्म पितामह और वो, तो आजकल तो पुतिन और जेलेंस्की के आगे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे देश में जो काम कट्टे और बम से हो जाता है वो बड़ी बड़ी मिसाइल नहीं कर पाती। तो शैया पर भीष्म पड़े हैं, उनके पास द्रोणाचार्य जाते हैं, और ठेठ इलाहाबादी और या आप कह लीजिए बनारसी भी बोलने की कोशिश करूंगा, बात पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। थोड़ा सा रिवर्स दे दीजिएगा, हल्का। का बे गंगा पुत्र, का ससुर शैया पर पड़े हो आए, बहुत अछलत रहो कि अर्जुनवा आई तो डील कर लिया जाई, सट लिया जाई, पाए गए हो बम पड़े हो ना। अब भीष्म यानी मुकेश खन्ना का जवाब क्या है, बात पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। का करी आचार, का करी आचार, बहुत अच्छे। अब सोचिए बनारस में हो रहा है, आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम मैदागिन तरफ निकल गए, वहां अर्जुनवा हमका दुई बम मारे है, वहां से सीधे भगे है तो मलदहिया जाए के रुके, मलदहिया ससुर पे रोज की तरह जाम लगा रहा, वहां गाड़ी ससुरी में तेल खत्म होएगा, वहां आचार्य एक ही गाड़ी किनारे धरी रही, ओका लेके भगे है तो सीधे कैंट जाए के रुके, अर्जुन वा वहू पीछा न छोड़ी, पिछियान रहा पिछियान रहा, दुड़ीम दुड़ीम दुई बम दहलास, हम तो भूसा हो गए, हम तो भूसा हो गए आचार, अर्जुन वा जौन नवा नवा सामान लाए है आचार्य, देख बुद्धि हमार तहरी हो गए, का करब गंगा पुत्र का करब, यह गोदी में बैठाए के सरवा का बम बांधे सिखाए रहे, नए जानत रहे सरवा अपने ऊपर चलाई, यही से तो हम कह दिया नहरा से कि भाड़ में जाओ ससुर तुम और दक्षिण लगे तुम्हारे हस्तिनापुर आन तो पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।